कितना अच्छा दिन था ना आज, इतने सालों बाद चेटा भी मिल गया और परम और विधि दोनों ने कैसे हक किया ना आज। हाँ एकदम पहले के जैसे हो गए दोनों। पर यार ये परम और मिश्का ना मतलब इनकी लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही, ऐसे कैसे बात करेंगे दोनों, कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे सेटल नहीं हुए। हाँ ऐसे अपने में तो सिर्फ लड़ ही सकते, क्या करें, कुछ आइडिया दो ना, मतलब जिससे दोनों एटलीस्ट एक दूसरे को जानने लगे, बात करें, थोड़ा सा करीब आए ना। ये तो एक ही तरह से हो सकता है, उन दोनों को डेट पे जाना पड़ेगा और फिर कितना ही लड़ेंगे, लड़ लड़ के थक जाएंगे, फिर नॉर्मल बात तो करेंगे। नहीं यार वो डेट पे कैसे जा सकते, एक काम करें हम उन्हें किसी डेटिंग साइट पे रजिस्टर कर देते। नहीं यार पिशा वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे यार, डेटिंग साइट पे डिलीट कर देंगे। वो तो है, कोई बात नहीं ना, अभी आगे सोचते, डोंट वरी। वरी क्यों, तुम जो मेरे साथ मेरी सुपर वाइफ, ऐसे मेरे पास रहना, हर प्रॉब्लम का सलूशन अपने आप निकल जाएगा और मेरी नींद भी खुल जाएगी। क्या यार तूने देओगे क्या, नहीं डिस्टर्ब कर रहे मुझे, सो जाओ तुम लोग भी। अच्छा सॉरी यार, सो सो हम भी सो जाते हैं, चल सो जाते हैं। मिश्का आने वाली है, क्या सोचा, क्या बोले गए? सब सोच लिया मैंने वाइफी, देखो मैं क्या करता हूँ, बताओ तो सही। आने तो दो से कहाँ है? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था प्रिशा। नो सीरियसली पूछो, हेलो प्रिशा। हाँ हाँ, व्हाट, क्या बोल रहे थे? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जिसको तुम्हारी स्टाइलिंग बहुत पसंद है, वो तुमसे मिलना चाहता है। क्यों 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 मिलना चाहता है? क्यों क्यों बताओ ना, जो तुमने मुझे बताया था, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसकी भी स्टाइलिंग करो। हाँ वो बहुत चाहता है, एज अ स्टाइलिस्ट वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है। ओह माय गॉड, दैट्स सच अ गुड न्यूज़। यू सी गाइस, मुझे पहले से ही पता था एक दिन मैं बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट बनूंगी और मेरे बहुत सारे फैंस होंगे, एंड थैंक्स टू यू दिस इज अ गुड एग्जांपल। लेकिन कुछ खड़ूस और सड़िया लोग जैसे कि परम, आई डोंट नो उन्हें मेरी स्टाइलिंग पसंद क्यों नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आता कि उसे मेरी स्टाइलिंग से प्रॉब्लम क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, जस्ट बी कूल। अभी तुम मेरे फ्रेंड से जाके मिलो, सदाना नाम है उसका, द पर्पल डोरांस रेस्टोरेंट में वो तुम्हारा वेट करेगा शाम को 7 बजे। आज ही? या ओके फाइन, आई एम रियली एक्साइटेड, आई विल गो गेट प्रिपेयर्ड। या या ऑफ कोर्स श्योर। या क्या था ये, द पर्पल डोरांस में जाके मिलो शाम को 7 बजे, और इस संधाना कौन है? कोई नहीं। क्या मतलब सदाना है नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। अरे तो फिर तुमने मिश्का को वहां क्यों बुलाया? परम के लिए। मतलब? अरे मतलब सदाना कोई है नहीं यार, वो तो मैं परम को भी ऐसे झूठ बोलने वाला हूँ जिसको सदाना से मिलने जाना, और जब ये दोनों वहां पहुंचेंगे तो सदाना वहां नहीं होगा, तो होगा कौन, सिर्फ ये दोनों। मतलब ब्लाइंड डेट? हाँ यस। अच्छा ठीक, तो तुम इनकी डेट यादगार बनाओ, मैं जाकर चेटा से मिलती हूँ, चल। ओके बाय। चिट्टा कैसे? Look at him. कितना improvement है। अब अम्मा मिल गई है तो सबसे बड़ी डॉक्टर तो ये है, इनका प्यार अब सबसे बड़ी दवा का काम करेगा। चिट्टा अयो, जीपीएस जीपीएस पकड़ो गाना। अयो यो नहीं, ऐसे नहीं करते कना। चेटा कना कना, तू इसे वेंकी से दूर मत जा, वेंकी को पता चलने दे कि तू उसकी बहन है।
क्यों ये? हाँ, अपने परिवार को साथ देख के स्ट्रेंथ मिलेगी वेंकी को, और अच्छा भी होगा वेंकी के लिए। लेकिन चिट्टा तो मुझे पहचान भी नहीं रहे। कना इधर आ, कना देख आराम से बैठ, तू बैठ, मम्मा इधर ही है, देख पापा भी है इधर, देख ये है ना तेरी तेरी बहन है, छोटी सी बहन। देख जब तू छोटा था ना तब इसके पीछे पीछे ऐसे भागते थे, कैसे भागते थे तुम? हाँ तुझे याद है तू इसे क्या बुलाता था? मैं बताऊं? जीपीएस तुझे याद है ना? परेशान। हाँ परेशान बुलाते थे। आमड़ा करना बैठ बैठ करना। अरे तेरी बहन है, देख तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये देखो मैं क्या ले आई हूँ मेरे चमत्कार कुट्टी के लिए। ये देखो, हाँ ये कौन है, कौन है ये? याद करो, ये है वेंकी। ये वेंकी तुम हो तुम, और हाँ और ये कौन है? ये कौन है? परे परेशान। हाँ कन्हा याद है परेशान। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते रब के नवाजे होते हैं। प्यार वाले धागों से बुने ये नाते नसीब वाले ही पाते हैं। ये है चाहते, ये है चाहते इश्क वालों की, ये है चाहते। तो फाइनली तुम्हें तुम्हारा बटर चिकन मिल गया ना? ये चाहिए ना यार, तुम्हारे घर का कुक ना क्या बटर चिकन बनाता है यार, कमाल का। मैं रोज खा सकता हूँ ये। रियली? तो दिन में रोज। डन। नहीं नहीं, I'm good. तुम खाओ प्लीज। शपरम यार एक और फेवर चाहिए था तुमसे। बताओ यार। शॉर यार मैंने एक डेट प्लान की थी प्रिशा के साथ, लेकिन मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई। तो मीटिंग कैंसिल कर दो। नहीं कर सकता ना यार, मीटिंग कैंसिल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम अटेंड कर लो ना मेरी जगह। क्या मीटिंग? नहीं डेट, प्रिशा के साथ डेट पे चले जाओ। वेरी फाइन, बट यू नो आई विश मेरी लाइफ में कोई ऐसी लाइफ पार्टनर हो। आई मीन प्रिशा इज लाइक द आइडियल गर्ल यार, प्यार करने के लिए, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। एंड यू नो डोंट माइंड हां मैं तुमसे कई बार बहुत जलस होता हूँ। आई मीन मेरी भी लाइफ में अगर ऐसी कोई लड़की होती ना मेरी लाइफ सेट हो जाती है। तो तुम एक काम करो ना, तुम मिश्का को डेट पे लेके जा सकते हो। क्यों? मिश्का को? ओ प्लीज, मिश्का तो इस बात के लिए आइडल है कि लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर ही नहीं होना चाहिए, और वैसे भी यार मैं उस लड़की को हैंडल नहीं कर सकता, इससे बेटर मैं सिंगल रह लूंगा। यार मुझे लगता है ना तुम गलत सोच रहे हो मिश्का के बारे में। एनीवेज इट्स योर चॉइस। अच्छा आप काम की बात पे आते हैं, मुझे मीटिंग फिक्स किया ना मैंने वो होटल डोरांस में शाम को 7 बजे मिस्टर सदाना की। प्लीज यार लेट मत होना यार। मिस्टर सदाना राइट? हां ओके सी यू। सी एंड यू एंजॉय फूड। हां या ओके थैंक्स अगेन। बाय बाय। यस सेटिंग हो गई है, ऋषा को बता दो। हेलो प्रिशा, काम हो गया। मैंने परम को शाम को 7 बजे होटल लॉरेंस जाने को बोल दिया है। अब परम और मिश्का वहां अकेले होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। इनफैक्ट गुड न्यूज की शुरुआत तो है। चिंता मत करो, गुड न्यूज भी हो जाएगी जब उन दोनों की लव स्टोरी बनेगी। हाँ अच्छा तुम भी जा रहे हो ना वहाँ? हाँ ऑफ कोर्स वहाँ जा रहा हूँ, प्रोग्रेस तो देखनी पड़ेगी ना कि लव स्टोरी कहाँ जा रही है। तुम्हारी हो क्या? सोचा तो था लेकिन मेरा चिट्टा के साथ रुकने का मन है। ठीक है इट्स ओके, तुम वहीं रुको, मैं जाता हूँ और तुम्हें सारी अपडेट्स देता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है बाय। आई लव यू।